हाई फाई फंडा नहीं है, मेरा टिप्स यही है टू मिक्स इट अप इन स्विंग और स्विंग स्लोवर, वेरिएशन रखो तो बैट्समैन आर ऑलवेज गेसिंग और विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते। मोहम्मद सिराज ने क्रिकेट फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल मोहम्मद सिराज को बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जसप्रीत बुमराह की जगह टीम इंडिया में शामिल कर लिया है। अब मोहम्मद सिराज दोबारा से टीम इंडिया में खेलते दिख सकते हैं। ऐसे में सिराज भी इस खबर को सुनकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि वो दोबारा विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेलना चाहते हैं और अपने देश को टी20 वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं। आप मोहम्मद सिराज के वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होने पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।